मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मां दुर्गा के विशेष प्रिय नवरात्रि के इस अवसर पर। हम सभी अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक विशेष अवसर जो नवरात्रि के रूप में हमें मिलता है, इसका पूरा लाभ कैसे कमाया जाए, पूरा लाभ कैसे लिया जाए और कैसे मां दुर्गा को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि वो मां है, उसे अच्छे ढंग से पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं। बस छोटे से प्रयोग हमें करने होते हैं जिससे हमारी झोली भर जाती है। आज का मेरा विशेष प्रयोग है कि मां बनने का जो सपना होता है, जो खुशी होती है, वह मां बनने के बाद जो महिला महसूस करती है, वह महसूस, वह एहसास हम नहीं कर सकते हैं। और मां बनने के लिए हर संभव प्रयास करने के बाद भी जब एक महिला मां नहीं बन पाती है तो उसके ऊपर कैसी गुजरती है, मन, मस्तिष्क और शारीरिक रूप से वो कितनी अस्वस्थ हो जाती है। और फिर समाज, परिवार के लोग जो ताने देने का काम करते हैं, हमारे जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं और वो हमें हर प्रकार से तंग करके खुद की खुशी को प्राप्त करने का जो उनके पास एक हथियार उनको मिल जाता है, उसको देखकर भी उस महिला के ऊपर बहुत बुरी गुजरती है। और हर बार जब वो IVF का ट्रीटमेंट करवाती है, डॉक्टर के पास जाती है, कई प्रकार के नीम, हकीम, वैद्यराज, यहाँ तक कि झाड़ा फूंका करना, पंडितों के पास जाना, हर एक उम्मीद और विश्वास के हाँ इस महीने मैं ये खुशखबरी अपने पति को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को दूंगी कि अब मैं भी माँ बनने जा रही हूँ, और वह सपना कई बार टूट जाता है मिसकैरेज और अबॉर्शन के रूप में। तो यह दर्द, यह एहसास, यह पीड़ा उस महिला से ज्यादा और कोई नहीं समझ पाता है। आज का मेरा एक विशेष प्रयोग उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन महिलाओं के लिए है जो मां बनना चाहती है, जो गर्भ धारण करना चाहती है। प्रत्येक महिला का अपना गृह जीवन में मां बनने की सबसे बड़ी चाह होती है। जब तक कोई भी महिला इस मातृत्व सुख को नहीं प्राप्त कर पाती है, अपूर्ण मानी जाती है। और कई बार इसमें बांझ का शब्द भी प्रयोग में किया जाता है। जब तक कोई महिला मां नहीं बन जाती है, तब तक उसके जीवन में यह पीड़ा, कष्ट देखा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप नवरात्रि में इस विशेष प्रयोग को करें। जब हम मां की बात कर रहे हैं तो नवरात्रि से बढ़कर अभी मौका नहीं है। एक मां को प्रसन्न करके मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करने का सबसे अच्छा अवसर है यह नवरात्रा। इसीलिए मैं उन सभी बहनों के लिए, उन सभी महिलाओं को इस सुख से वो वंचित न रह सके, इस सुख को प्राप्त कर सके, इसके लिए विशेष प्रयोग लेकर आया हूं, जिसको करके निश्चित रूप से आप मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। दुर्गा के 9 रूपों में पंचम स्वरूप स्कंद माता का है। रिद्धि सिद्धि गणेश और कार्तिकेय दोनों की ही जननी पार्वती स्वरूप स्कंद माता है। भगवान शंकर और पार्वती के मांगलिक मिलन को सनातन संस्कृति में परिणय परंपरा का प्रारंभ माना गया है। गर्भ धारण की उत्पत्ति शिव पार्वती प्रसंग के बाद प्रारंभ हुई है। आज मैं आपको एक विशेष प्रयोग बताने जा रहा हूं जिसे करके मातृत्व सुख से वंचित महिला को इस सुख की प्राप्ति होगी और उसे मां बनने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवरात्रा में शिवलिंगी पुष्प के बीज प्राप्त करें। यह आपको किसी भी पंसारी, आयुर्वेद की जो सामग्री रखते हैं उनके पास मिल जाएगा। हर बीज पर आप देखेंगे शिवलिंग भरा हुआ है, बड़ा चमत्कारी प्रयोग है। और मोर पंख में जो कि चांद बना हुआ होता है, उसे काट कर अपने पास रख लें। साथ ही साथ इस प्रयोग के लिए 3-4 वर्ष पुराना गुड़ की आवश्यकता होगी। मासिक धर्म समाप्त होने के 3 दिन बाद 9 शिवलिंग के बीज लें तथा एक मोर पंख से काटा हुआ चांद व पुराने गुड़ के साथ मिलाकर 9 गोलियां बना लें। और हो सकता है कि किसी गोली में 2 बीज आ जाए अथवा किसी गोली में 1 भी बीज ना हो, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। प्रथम तीन गोली खाकर 1 गिलास दूध पी लें। दूध ठंडा हो या गर्म, चीनी मिली हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के कमेंट भी करेंगे। अगले दिन फिर 3 गोली लेकर दूध पी लें। इस प्रकार यह प्रयोग 3 दिन तक करने से 9 गोली आप ले लेंगे। यह प्रयोग निरंतर 3 महीने तक करना चाहिए। इस प्रकार से आप 27 शिवलिंग के बीज व 3 मोर पंख के चांद की व्यवस्था कर लें। ऐसा करने पर 3 महीने के बाद अथवा इसी बीच में गर्भधारण बहुत सारी महिलाएं कर लेती हैं। इस उपाय के साथ साथ मैं आपको एक मंत्र भी बताने जा रहा हूं जिसे नवरात्रि के पंचम दिन
या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन से शुरू करके जब तक मनोकामना पूर्ण न हो इसे करते रहना चाहिए। अब मान लीजिए आपका मासिक धर्म नवरात्रि में नहीं आता है, लेकिन पंचम जो स्कंद माता का दिन आता है उस दिन आप एटलीस्ट दाहिने हाथ में जल लेकर यह संकल्प जरूर ले लें कि मैं आज से ये प्रयोग शुरू करने जा रही हूँ या इसकी व्यवस्था शुरू करने जा रही हूँ। मंत्र नोट करें, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पूर्ण श्रद्धा आस्था विश्वास और भक्ति भाव से की गई पूजा अर्चना का पूरा फल आपको अवश्य मिलेगा, यह मेरा वादा रहा आपसे। बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारी जो बहनें हैं वो माँ बनने के बाद हमें भी आशीर्वाद देती हैं कि आप इसी प्रकार हम सब बहनों का आप प्रयोग के द्वारा सम्मान के साथ हमारी जिंदगी में उजाला करते रहें, और यही विश्वास और आत्मविश्वास के रूप में तब्दील हो जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ दुर्गा इस नवरात्रा में आपकी झोली भरने का आशीर्वाद जरूर देगी। बस जरूरत है तो आपकी आस्था के साथ शुरू कीजिए इस प्रयोग को। मैं आप सभी के नवरात्रि में हर मनोकामना पूर्ण हो ऐसा विश्वास दिलाता हूँ और ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निर्भय होकर अपना जीवन जिए, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सभी से आज्ञा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हां, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in। समस्या शब्द अगर बना है तो समाधान शब्द भी बना है। समस्या हो सकता है आपके पास है, लेकिन समाधान मेरे पास जरूर है। कई बार हम जॉब, बिजनेस, पारिवारिक जिंदगी, मैरिज यह हो या मैरिटल लाइफ हो या किसी प्रकार का कोई कंसर्न हो, उसके लिए हमें एक सलाह की जरूरत होती है। और निश्चित रूप से ज्योतिष और अध्यात्म में आपकी समस्याओं का समाधान छुपा है। मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। तो अप्रैल महीने में मेरा जो स्केड्यूल है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसे आप नोट करें। और आप अगर इसके आसपास रहते हैं और इन शहरों में रहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। इसी कड़ी में 2, 12 और 25 अप्रैल को मैं दिल्ली रहूँगा, 5 और 20 अप्रैल को मुंबई रहूँगा, 6 अप्रैल को मैं इंदौर मध्य प्रदेश रहूँगा, 7 अप्रैल को पणजी गोवा रहूँगा, 10 और 11 अप्रैल को मैं जोधपुर राजस्थान में रहूंगा, 13 और 14 अप्रैल को मैं कोलकाता रहूंगा और 15 अप्रैल को गुवाहाटी आसाम में रहूंगा, 17 अप्रैल जयपुर रहूंगा और 21 अप्रैल को मैं पुणे में रहूंगा। वहीं 26 अप्रैल मद्रास और हैदराबाद का मेरा टूर रहेगा, जिसमें 27 अप्रैल को बंगलुरु और 28 अप्रैल को मैं गुड़गांव, जिसे हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं।
इन शहरों में अगर आप रहते हैं या इसके आसपास रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, आप इसके लिए हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद।